खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है, मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती है, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत, कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ, आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत, वहाँ भूत है। आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है, घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। ओ मेरे प्रियतम, आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहाँ दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी, भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देखकर कब्जा कर लिया है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है, इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या, तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार, रुक मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ, ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं? जो मैं भी साथ चलता हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम, यही मेरे पास खड़े रहो। बहु सिचुएशन समझो। हाँ घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था, अब क्या करेंगे, हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है
और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहाँ पहुँच जाता है। और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है, ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग?